इसकी शादी में हम आए हैं, कम से कम मैं उसको आपसे मिलवा देती हूँ। अमन भाई साहब, अमन भाई साहब पूरा तैयार होके आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले, ढंग से तैयार होके आओगे। यार टाइम मत लगाओ अमन भाई साहब, अरे घुंघट नहीं आना, अरे ले लूं ले लूं, ऐसे मत करो। वो बहुत फनी लड़की है, बहुत। अच्छा कोई दो शब्द कहेंगे आप? मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सीरियसली वो बहुत फनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आपको अपनी शादी के दिन कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बलि का बकरा बनने जा रही है। मम्मी देख रहे हो आप, सेंस ऑफ ह्यूमर लड़की का कमाल का है। ये हड़ौती में एक रिवाज होता है, उसमें लाडी इस रजाई के अंदर होती है और लाडी से सभी अलग अलग जो मतलब घर की बीनियाँ जो मतलब जो भी होते हैं ना शादीशुदा जो लेडीज होती हैं वो सब मिलते हैं और उसको बिंदी लगा के आते हैं। और पता नहीं उसके कुछ तो कान में बोल के आते हैं ना, कुछ बोलते भी है ना, क्या पता। मैंने किया था क्योंकि एक बारी। और इसमें एक शर्त और होती है, इसमें लाडी को पूरी रात यही सोना होता है और उनके साथ में कोई भी फैमिली की मतलब भाभी सा या काकी सा को सुला दिया जाता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब सूरज के उगने से पहले ही उनको उठाते हैं। फिर ऐसे ही ना बारी से मतलब एक एक करके सब आते हैं। हाड़ौती में ना काफी सारे रिवाज ऐसे हैं जो शेखावाटी से मतलब मेरे उधर से बहुत अलग है। भाई साहब तुम सामने देखो, वो क्या है, सरसों है क्या? भूसा सरसों का तो डोडिया आगी सा नहीं बलमा नहीं कटे, थोड़ा जोर से गाओ ना जीजा। सरसों का तो डोडिया आगी सा नहीं कटे, बलमा नहीं कटे। मन ले कोट के लगन बड़ा मुंह को लाओ लाओ, बड़ा मम्मी आप भी आ जाओ। बेबू मोर, बेबू मोर, ये छोटा सा भतीजा लारा लाना रे बीरा रमा जमा से। सुबह सुबह गीतों का सेशन चल रहा है। मम्मा मम्मा तो ढूंढ गो, अब गाओ गाओ, आओ भूसा को गाओ ना। अच्छा अच्छा वीडियो क्यों बनाएंगे कि क्या करना है, तुम बैठ गए होगा। हां ले पीरे तो बीरा आ बीरा पे भी आप मम्मा का कहीं पीरे होते से बैठे थे आप बता देंगे ना। बावज लाना हमारा छोटा सा भतीजा लारा लाना रे बीरा रमा जमा से मार। आजा बना आजा, ठंडा हो जाओ। रखड़ी तुम्हारी ले जाओ साया पे जाओ बहन के ब्याह, तो मासून बोले कैसा जावा बहन के ब्याह, पढ़िया तो मत बोलो साया से बरा कवे गो संसार। भूसा कुम आपसे आगे आने वाले पीढ़ी को जैसे इनको भी आता है, हमें गीत कैसे आएंगे? यही चलाएंगे क्या फिर हम? रिकॉर्डिंग चलाएंगे क्या हम? ए आपका कथक मैं पूरी ठाड़िया हो जाएगा, लेकिन आपके बाद फिर आपके बाद हेलो वेलकम बैक आचार्य, मैं हूँ आपके साथ ज्योति। बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है उसका थोड़ा वेट करें, बिकॉज शादी है तो फंक्शंस में बहुत कुछ आवाजें आएंगी। मैं अभी हूँ रेडी, मैंने पहनी है पिंक पोशाक और बेबू
मैं आपको भी दिखा दूं, हमारे बेबू भाई सब भी रेडी हो गया है, बेबू भाई मेरा बच्चा रेडी हो गया है, भाभी सब भी रेडी हो गए, भाभी सब हाई करना चाहेंगे मामा को, आपने क्या पहना? तो सबसे पहले हम जाएंगे माता पूजन में, माता पूजन के बाद अभी मामा क्या फंक्शन होने वाला है? माता पूजन के फिर पसी भरेंगे और उसके बाद क्या होगा मामा को? फिर हम भात भरेंगे है ना बेबू, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मामा 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 मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शन दिखाती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए वाकई इतने शर्मीले हो आप या ऐसे मुझे 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 देख के शर्मा रहे हो? हाँ मंदिर ज्योति पुष्पेंद्र सिंह हाँ हुकुम आ गया हूँ, चलो शादी से पहले ही थक गए, क्या हुआ? थक गए हाँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे आप इमोशनल क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ? ओ 22 सा 40 सासरी है लो ये तलवार हाथ में लो, तो बताओ जिसकी शादी है मैं उसको बोल रही हूँ तो यहाँ पर ना लाड़ी को सभी मतलब कपड़े देते हैं और पैसे देते हैं। अब यहाँ मैंने जितना मामा हुकुम से पूछा हड़ौती में इसको पस्सी भरना बोलते हैं माता पूजन की, तो अभी वही चल रहा है, मतलब सब लोग एक एक करके आएंगे और उनको जो भी वो बेस और जो भी वो पोशाक कपड़े जो भी लाए ना वो कपड़े देंगे और साथ में मतलब शगुन के तौर पर पैसे देते हैं। सब लोग वेटिंग में खड़े हैं। और किसने क्या दिया इसका हिसाब किताब भी रखा जाता है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है। तो हमारे लाड़ी के पास में भाई साहब बैठे हैं, वो लिख रहे हैं कि किसने क्या दिया। क्या देती?
खेलो 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 खेलो